वेलकम टू नई सुबह कहानी घर। कहानी घर नई सुबह टेल्स नरेटेड बाय निस्मा आलम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह कहानी घर में खुशामदीद। मैं हूँ निस्मा आलम और आज हम सुनेंगे कहानी बंदर का इंसाफ। एक दफा की बात है, एक घर में दो बिल्लियां रहा करती थी। दोनों मिलजुल कर खाना खाती और हर काम मिलजुल कर किया करती थी। एक मर्तबा उनको एक रोटी मिली जिस पर उनकी लड़ाई हो गई कि ये टुकड़ा मैं खाऊंगी। दूसरी बिल्ली ने कहा, नहीं मुझे ज्यादा भूख है, मैं खाऊंगी। इस तरह से लड़ाई बढ़ती चली गई। फिर उन्होंने सोचा, क्यों ना इंसाफ के लिए बंदर के पास जाया जाए, क्योंकि बंदर तो बहुत अकलमंद होता है। इसीलिए रोटी का फैसला भी बिल्लियों ने सोचा कि बंदर से करवाया जाए। बंदर से जाकर बिल्लियों ने कहा, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दो। बंदर ने एक तराजू लिया। इंसाफ के मुताबिक रोटी को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्सा दाएं जानिब जबकि दूसरा हिस्सा बाएं जानिब रखा। जहां से तराजू भारी हुआ वो हिस्सा नीचे गिर गया। बंदर ने रोटी का टुकड़ा उठाया और थोड़ा सा खा लिया। फिर दोबारा तराजू में डाला और वजन किया तो दूसरी तरफ का पलड़ा भारी हो गया। फिर बंदर ने दोबारा से रोटी का टुकड़ा थोड़ा सा खाया और दोबारा से तराजू में डाल दिया। इस तरह जिस तरफ पलड़ा भारी होता बंदर थोड़ा सा टुकड़ा खा लेता। अब टुकड़ा बहुत छोटा सा रह गया था। बिल्लियों ने कहा, बस हमें इंसाफ मिल गया, अब ये रोटी हमें दे दो। बंदर ने कहा, मेरा मुआवजा ये रोटी है, और सारी की सारी रोटी खा गया। बिल्लियां बेचारी मुंह ही देखती रह गई और रोटी भी खत्म हो गई। बेचारी बिल्लियां भूखी रह गई। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ही सबक मिलता है कि इत्तेहाद के साथ अगर चला जाए तो मुश्किलात खुद ही हल हो जाती हैं और इंसाफ की जरूरत भी नहीं पड़ती। नई सुबह कहानी घर में इतना ही। मिलते हैं एक मजेदार नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।